आज मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा और उसी के साथ मैं खाने के लिए रायता बना रही हूँ। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और अभी मार्केट में मेथी बहुत मिल रही है, तो मैं भी मेथी ले आई घर पर। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अब तो सबसे पहले हम मेथी के पत्तों को अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे और उसको काट लेंगे, उसकी डंडियां हटा देंगे, सिर्फ पत्तों को काटना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आटा लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, कटा हुआ मिर्ची, कटा हुआ प्याज डालेंगे और मेथी के पत्तों को डालकर अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम तेल डाल देंगे, उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया। इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। आप इसको ज्यादा देर तक रेस्ट के लिए ना छोड़े, वरना ये बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी लोइयां को अच्छे से बना ली है। तो यहाँ पे हम एक लोइया लेंगे, उसको आटा लगा के हम एक रोटी जैसा बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप में इसको बेल सकते हैं। आप आटा की जगह तेल भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेल लिया है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है। तो चलिए अब इसको हम बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम तवा लेंगे, उसमें हम मेथी पराठा डाल दिया है, इसको मैंने अलट पलट करके सेक लिया है और दोनों साइड मैंने तेल लगा लिया है। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड सेक लिया है और ये हमारा मेथी पराठा अब तैयार है। अब चलते हैं इसके साथ खाने वाला रायता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद उसको अच्छे से मिला लिया है। फिर इसमें मैंने बूंदी डाल दिया है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने इसमें कटा हुआ मिर्ची, कटा हुआ प्याज डाल दिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से मसाले डाले हैं, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। लास्ट में मैंने इसमें धनिया लगा दिया है, थोड़ा सा फिर मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये हमारा बूंदी का रायता तैयार है। तो अब चलते हैं इसको हम सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता और मेथी पराठा सर्व किया है, साथ में बटर डाला है। तो आप लोग भी इस मेथी के पराठे को जरूर से बनाएं और अपने बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में खाएं। ये मेथी पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है और इस सीजन में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो खाओ पियो मजे करो, बाय।